दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में सभी सरकारी सेवाओं को कॉन्टैक्टलेस बनाने की योजना पर बड़ी तेजी से काम कर रही है। आपको बता दें, इस योजना के लागू होते ही दिल्ली वालों को न सिर्फ सरकारी दफ्तरों के लाइनों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि उन्हें सारे काम छोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली में कॉन्टैक्टलेस सेवा की शुरुआत दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार परिवहन विभाग से कर रही है, जिसके तहत परिवहन विभाग के 70 में से 68 सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की माने तो अब विभाग की अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन सिस्टम के दायरे में आएंगी। इसका ये लाभ होगा कि लोगों को MLO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही छात्रों को भी इसका लाभ होगा। अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए छात्रों को MLO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी, ये कॉलेज विश्वविद्यालय में बनाए जा सकेंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए सरकार ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है। सरकार की कोशिश है कि अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन करके लोगों को घर बैठे परिवहन विभाग की सेवाएं दे सके। पुराने सिस्टम के तहत लोगों को नए वाहन जैसे स्कूटर और कार खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि लोगों को RC डीलर के जरिए जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाए। दिल्ली में कॉन्टैक्टलेस योजना की शुरुआत दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार परिवहन विभाग से कर रही है। आपको बता दें कि इसके लिए परिवहन विभाग के 70 सेवाओं में से 68 सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, बाकी की 2 सेवाएं ऑफलाइन रहेंगी। दरअसल ये वो सेवा है जिसके लिए ऑफिस आना अनिवार्य होगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट और गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट शामिल है। आपको बता दें कि इस योजना के लागू होते ही दिल्ली वालों को परिवहन विभाग के ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आलोक झा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।